अयोध्या में रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब की तैयारियां जोरों शोर से जारी। काशी के डोम राज्य समेत 15 लोग प्राण प्रतिष्ठा रस्म की मेजबान होंगे। मुल्क और बैरून मुल्क से मधु मेहमान रामनगरी पहुंच रहे हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के धनुषकोडी में वाक़े कोंडारामस्वामी मंदिर में करेंगे पूजा। वज़ीर-ए-आज़म धनुषकोडी के करीब अरिचल मुनाई का भी करेंगे दौरा। अरिचल मुनाई से राम सेतु की हुई थी शुरुआत। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज छत्तीसगढ़ का करेंगे दौरा। रायपुर में कई प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। इसराइल में वज़ीर-ए-आज़म नितिन्याहू के खिलाफ एक बार फिर एहतजाज शुरू। हजारों मुजाहिरीन तेल अबीब में हुए जमा। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए इक़दार की तब्दीली का किया मुतालबा। और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी इंडिया ओपन के फाइनल में दाखिल। सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी को दी शिकस्त, तो वहीं मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में एचएस प्रणॉय को मिली शिकस्त। भारतीय टीम ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में फातेहाना आगाज करते हुए अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 84 रन से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। अयोध्या में विराजमान प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब को तारीखी बनाने के लिए तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। काशी के डोमराजे समेत 15 लोग प्राण प्रतिष्ठा की रस्म में शामिल होंगे। भारत और बैरून मुल्क से मधु मेहमान पीर को मुनाकिद होने वाली शानदार तकरीब में अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामनगरी में तकरीब के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठान की तकरीब के पेश नजर श्री राम मंदिर को रोशनियों से सजाया गया है। मंदिर के चारों तरफ शानदार लाइटिंग की गई है। प्राण प्रतिष्ठा की शानदार तकरीब से कबल मंदिर के साथ साथ आसपास के मकामात की खूबसूरती भी देखने के लायक है। अयोध्या में मुल्क भर से साधु संतों की आमद का सिलसिला जारी है। मुल्क के अहम साधु और संतों से बातचीत की हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र ने। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हम देख रहे हैं कि अयोध्या में संतों का आगमन हो रहा है देश भर से, और अस्थाई नगर बसाया गया है। स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज हैं, मुंबई से हैं, महामंडलेश्वर हैं। कैसा आप लोग, वो क्या भाव है महसूस कर रहे हैं जब अयोध्या आए? पहले भी आते रहेंगे लेकिन अब जब आए? बहुत, एक तो क्रांतिकारी बदलाव है, संपूर्ण विश्व अनुभव कर रहा है। केवल हम लोगों के बदलाव की बात नहीं है, केवल कुछ लोगों के बदलाव की बात नहीं है। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए भारतवर्ष के, आज वो आनंद उत्सव दिखाई पड़ रहा है। 2014 के पहले भी हम अयोध्या आए हैं, लेकिन वो सुनी सुनी गलियाँ एक नीरता सी लगती थी। ऐसा लगता था कि पता नहीं किसका शाप लगा है इस नगरी को, कि 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ऐसा बदलाव हुआ कि ऐसा लगता है जिसमें हमको ये अनुभव नहीं होता था कि ये देश हमारा ही है, अब ऐसा लगता है कि सांस्कृतिक रूप में इस देश में जब से प्रतिष्ठा सनातन धर्म की हुई है, संपूर्ण विश्व में भारत की ध्वजा पताका लहरा रही है। आप निकटतम से भी स्वामी जी हमारे साथ हैं, और आप देखिए कि अलग अलग देश भर से आए हैं। सर, क्या भाव उमड़ रहे हैं? आप अयोध्या पहले भी आते रहे होंगे, और अब देश और दुनिया देख रही है जो समारोह होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है भगवान राम की। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला की प्रतिष्ठा होने जा रही है। मानो ऐसा लगता है रामो विग्रहवान धर्म, जब भगवान वाल्मीकि जी से के शरण में हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भगवान रामलला की प्रतिष्ठा सनातन धर्म की प्रतिष्ठा है। और राम मंदिर नहीं, ये तो निश्चित रूप से राष्ट्र मंदिर बनने वाला है। ये राष्ट्र मंदिर बना है और इस यहाँ से पूरे विश्व को दिशा मिलेगी। 500 वर्षों के बाद रामलला, बड़ी बहुप्रतीक्षित चिरकाल प्रतीक्षा के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। पूरी धरा प्रफुल्लित है, बड़ा सुरम्य वातावरण है, और ये श्रेय
यदि पूर्व के लोग चाहते वो भी ले सकते थे, लेकिन जिसके भाग्य में होता है उसी को मिलता है। आप क्या कहना चाहेंगे अयोध्या जब आप आए हैं आज इस मौके पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि तीन बातें कहूँगा। केवल राम जी की स्थापना नहीं हो रही, यद्यपि बालक राम है लेकिन जन्म से वो राजा राम करके जन्म हुए थे, और इस कारण ये केवल प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा बालक विग्रह की नहीं है, ये राजा राम की स्थापना भी है। आज से पूरा भारतवर्ष इस भारतवर्ष का राजा राम जी को ही मानेगा, राम जी के आदर्श पर चलेगा, और इस कारण विश्वगुरु बनने की भारत की शुरुआत राजा राम के अध्यासन से होगी। केवल सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं है, दरअसल ये दिखाता है कि 500 वर्षों से जो हमारा एक जो इंतजार रहा है वो खत्म हो रहा है। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मौका है जब देश भर के साधु संत पहुंच रहे हैं अयोध्या और अस्थाई नगर में, उनको रहने की व्यवस्था की गई है। कैमरामैन जगमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज अयोध्या। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में मंदिरों का दौरा किया। पीएम मोदी ने तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर और रामेश्वरम में श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर का दौरा किया। नाज़रीन देखते हैं ये एक खास रिपोर्ट। एक तरफ अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब को लेकर लोगों में जबरदस्त जोशो खरोश है, तो वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी महाकाव्य रामायण में मरकूज मुल्क भर के बड़े मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। पीएम ने अपने दौरे की शुरुआत तिरुचिरापल्ली में रोड शो से की। रोड शो में पीएम रिवायती तमिल लिबास में नजर आए। सैकड़ों लोग वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए जमा थे। लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हाथ हिलाकर लोगों का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की और गरुड़ मूर्ति के दर्शन किए। त्रिची के त्रिरंगम में वाक़े ये मंदिर मुल्क के कदीम तरीन मंदिरों में से एक है। इसका तस्किरा पुराणों और संगम दौर के मतन समेत मुख्तलिफ कदीम ग्रंथों में मिलता है। ये ख्याल किया जाता है कि भगवान विष्णु की मूर्ति जिसकी पूजा श्री राम और उनके आबाव अजदाद करते थे, विभीषण को लंका ले जाने के लिए दी थी, और रास्ते में ये मूर्ति श्रीरंगम में नस्ब कर दी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने मंदिर में गजराज से आशीर्वाद भी लिया, तो वहीं गजराज के अपनी सूंड से माउथ ऑर्गन बजाने का मंजर बड़ा दिलकश था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंदिर में विद्वानों से कंबा रामायणम का पाठ भी सुना। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर जाने से पहले समुद्र में स्नान किया। पीएम मोदी ने 22 तीर्थों के जरिए 22 मराहिल की शुद्धिकरण के अमल की भी पैरवी की। वज़ीर-ए-आज़म अयोध्या में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब से पहले 11 दिन की रसूमात अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने रामेश्वरम में श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की। श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजे जाने वाले मरकजी देवता श्री रामनाथ स्वामी हैं, जो भगवान शिव की एक शक्ल हैं। ये बड़े पैमाने पर माना जाता है कि इस मंदिर में मरकजी लिंगम का कयाम और पूजा श्री राम और माता सीता ने की थी। रामेश्वरम 4 धामों और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म ने रामेश्वरम में 8 रिवायती मंडलियों के जरिए गाए गए मुख्तलिफ रिवायती जबानों में श्री राम पाठ को सुना, और इसके बाद पीएम मोदी भजन शाम में भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें।
और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा तकरीब से पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी मुल्क भर के मुख्तलिफ मंदिरों में रामायण के पाठ सुन रहे हैं। एक तरह से वज़ीर-ए-आज़म मोदी अकीदतमंदों को रामायण की तालीमात और भगवान श्री राम के अखलाकियात के बारे में बताना चाहते हैं। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनुल अक़वामी श्री राम जानकी आलमी महायज्ञ का इनेकाद किया गया। देखिए अजय मिश्र की ये खास रिपोर्ट। रामायण शत कोटि अपारा, वैसे तो रामायण कहा जाता है कि 100 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन भगवान शिव ने उसे सिर्फ राम तत्व, राम नाम के रूप में अपने हृदय में स्थापित किया। हमारे साथ प्रोफेसर राम बहादुर दुबे जी हैं, जो कि संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप इतने सारे रामायण हैं उनको संक्षिप्त करके अगर तत्व को परिभाषित करना चाहें अपने विद्यार्थियों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, तो कैसे करें? रमन्ते योगिनो यस्मिन् विद्या ज्ञान विप्लवे तम गुरुम राम रामेति। राम शब्द ऐसा है कि जो अंतरात्मा के सुख की अनुभूति के पश्चात सुख की अनुभूति होती है, वह नाम राम है। राम शास्त्रों में राम की महिमा का, सभी वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस में, दक्षिण भारत में कई रामायण हैं, सब में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग एक ही स्वरूप का वर्णन किया है। जैसे नरहसर्व एक ईसम भजन्ते स ईसा परम नाम भेदेन भिन्न अयम शाश्वतरम धर्म एको धरायाम न संभावते धर्म तादेश भेद। इस पृथ्वी पर मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, उसी तरीके से इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, ठीक उसी तरह से प्रकार से भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में विश्व में स्व आचरण आचरण करके उन्होंने दिखाया है। महाराज आनंद जी भी हमारे साथ हैं। ये कैसे राम राज्य 22 तारीख के बाद किस तरह का आनंद आने वाला? गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रात काल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मातु नवा ही माथा। माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करके जो आशीर्वाद लेता है उसकी जिंदगी उत्तरोत्तर विकास करती है, समाज की करती है, राज्य की करती है। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को धाम में, वो निश्चित ही हम सबके जीवन में एक इतिहास बनाएगी और सबके अंदर वो भाव भंगिमा होगी कि वो भगवान राम के आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे। कलयुग में हम इतना आनंद का अनुभव कर पा रहे हैं तो सब केवल आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान राम जब वाकई आए होंगे और उनका राज्याभिषेक हुआ होगा त्रेता युग में, तब कितना आनंद बरस रहा होगा। कैमरामैन नवीन झा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज लखनऊ। अयोध्या की सिक्योरिटी के लिए आज ब्लैक कैट कमांडोज तैनात किए गए हैं। कमांडोज अयोध्या के हर कोने कोने की निगरानी कर रहे हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह की अयोध्या से ये खास रिपोर्ट। मेरे पीछे स्नाइपर राइफल से जो लैस आपको जवान दिखाई दे रहे हैं, ये एटीएस के जवान हैं और पूरे अयोध्या में ऐसे जवानों को लगाया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से ये निपट सके। और इसके अलावा अगर आप देखें पूरे अयोध्या में जो सीसीटीवी है वो लगाए गए हैं, 10,000 के करीब सीसीटीवी है जो लगातार लाइव जो फीड है वो देख रहे हैं। आप देखें कि ये जो कमांडो है वो आपको चारों तरफ दिखाई देंगे और इनको उतारा गया है ताकि वीवीआईपी की मौजूदगी यहाँ पर लगातार बनी हुई है, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और हर स्थिति से ये कमांडो निपट सके उसके लिए इनको उतारा जाए। और ये देखें कि आप स्पेशल जो वाहन है उनके साथ ये कमांडो यहाँ पर मौजूद है, बुलेट प्रूफ ये वाहन है और जिसमें आपको ये कमांडो आप दिखाई दे रहे हैं, ये कमांडो ऊपर रहता है और जो स्नाइपर जो राइफल है उसके साथ वो कमांडो मौजूद रहता है। इसके अलावा रिजर्व के रूप में भी कई सारे जो कमांडो है वो यहाँ पर मौजूद है। और पूरे आप अयोध्या की बात करें तो आप देखें कि अयोध्या में जिस तरीके से लगातार लोग पहुंच रहे हैं, आप देखें कि हजारों की संख्या में जो आपको जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है और यही कारण है कि इस भीड़ में कोई असामाजिक तत्व ना आ जाए, इस भीड़ में कोई गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश ना करे, उसके लिए सुरक्षा के व्यापक जो इंतजाम है वो प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। अत्याधुनिक हथियारों से जो लैस है वो कमांडो पूरे अयोध्या की निगरानी कर रहे हैं, चप्पे चप्पे पर
उनकी निगाह है। एंटी ग्राउंड तकनीक का जो प्रयोग है वो किया जा रहा है। स्पेशल तरीके के जो बैरियर है वो बनाए गए, अगर वहां से कोई गाड़ी गुजरती है तो उसको स्कैन किया जा सके। तो तमाम तरह के जो सुरक्षा इंतजाम है वो अयोध्या में उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी गड़बड़ी को पहले ही रोका जा सके। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। और अयोध्या के श्री राम मंदिर में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक जदीद मीडिया सेंटर बनकर अब तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा तकरीब की मीडिया कवरेज नौ तामीर शुदा अयोध्या धाम मीडिया सेंटर से फराहम की जाएगी। नशरियात देखने की सहूलत के लिए यहां बड़े एलईडी टेलीविजन नस्ब किए गए हैं। मीडिया सेंटर में मीडिया अहलकारों को अपनी न्यूज स्टोरी भेजने के लिए वाईफाई की सहूलत भी फराहम की गई है। भगवान रामलला का के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को हो रहा है, तो हम लोग इस कार्यक्रम को बृहद स्तर पर विश्व स्तर पर प्रचार प्रसारित करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया केंद्र बनाए हैं। यह मीडिया केंद्र नया घाट के पास माँ सरजू के किनारे है, क्योंकि भगवान राम का माँ सरजू से गहरा रिश्ता है इसलिए इसको रखा गया है। उसका उद्देश्य है कि हमारे विश्व के पत्रकार, दिल्ली के पत्रकार, अन्य राज्यों के पत्रकार, उत्तर प्रदेश के पत्रकार आए और पूरे दर्शन को समझें, अपने नजरों से देखें तथा इसको प्रचार प्रसारित करें। और नवनीत शर्मा ग्वालियर से पैदल अयोध्या जा रहे हैं। उनकी आंखों में राम मंदिर की खुशी झलक रही है और चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, सिर्फ एक जज्बा है। नवनीत 26 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। देखिए हमारे ये खसूसी रिपोर्ट। ये आप देखें, ये नवनीत शर्मा हैं और ये ग्वालियर से चलकर अयोध्या जा रहे हैं और पैदल चल के आ रहे हैं। ये क्या मतलब, क्या सोचा था कि पैदल चल के जाना है वहाँ? सर सोचा तो ऐसा नहीं था। 15 की रात को मैं ऐसी रात को 2 बजे सो गया था और सुबह 9:30-10 बजे मेरी नींद खुली थी, तो ऐसा कोई भाव नहीं था, पहले से कोई संकल्प नहीं किया था मैंने कि मैं पैदल ही जाऊंगा। बस सुबह मैं 10 बजे सो के उठा, मेरी नींद खुली तो बस एकदम ऐसा भाव आया कि मुझे अयोध्या जाना है। अयोध्या में जाना हूं तो पैदल ही चल दिया सर मैं। नहीं, ये तो अभी बहुत लंबा सफर है और यहाँ से 2100 किलोमीटर दूर है, अभी तो लखनऊ भी नहीं पहुंचे। हम लोग छोड़ देते हैं आपको? नहीं सर, मेरे को रास्ते में काफी लोग मिले हुए थे, मोटरसाइकिल वाले मिले, गाड़ी वाले मिले, उन्होंने मेरे से बोला कि आप बैठ के चलो। उन्होंने बोला कोई संकल्प लिया? मैंने कि संकल्प तो ऐसा कुछ लिया नहीं है, बस भगवान का आशीर्वाद बना रहे और मैं निरंतर अपनी यात्रा ऐसे कर रहा हूँ। 16 तारीख को मैं ग्वालियर से निकला था और आज मुझे चौथा दिन है और मैं 26 जनवरी को अयोध्या पहुंचूंगा सर। तो क्या मतलब, बिल्कुल थकावट या कोई शिकन? नहीं सर, देखो थकावट तो सर थोड़ी बहुत तो होती है और मेरे दोनों पैरों में छिंगों वाली उंगलियों में छाले पड़ चुके हैं, छाले जरूर पड़े हैं सर, लेकिन मेरे को दर्द नहीं महसूस हो रहा। हालांकि मेरे को काफी लोगों ने मेरी हेल्प भी की, राम भक्त मिलते हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है। एक भिंड TIACP चौहान साहब, उन्होंने भी मेरी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी खाने की रहने की, और दर्द सर थोड़ा बहुत तो होता ही है। जैसी प्रभु, लेकिन राम राम का नाम है। हाँ, और मैं निरंतर, मेरे को रास्ते में काफी लोग मिले तो उन्होंने बोला कि साथ में कोई ले लेता, तो मैंने कहा एक दो लोगों से मैंने बातचीतें भी की थी, तो वो जब गाड़ी से जाने के लिए तैयार नहीं थे सर, तो पैदल कैसे जाते? आपको आपको डर नहीं लगा बिल्कुल इस रास्ते में? नहीं सर, डर तो मेरे को नहीं लगा था, फिर मैंने सारा ऊपर सिर्फ प्रभु राम पे ही छोड़ दिया था। मैंने की भगवान अगर मैं आ रहा हूँ तो आप ही मेरी रक्षा करना। हालांकि काफी लोगों ने मुझसे बोला था, मेरे दोस्त यारों ने, यार अकेला कैसे जा रहा, जिन लोगों के फोन नहीं आने चाहिए उन लोगों के भी फोन आ रहे हैं, और बड़ा सुकून और अच्छा लग रहा है। जगह जगह पे उत्साह होता है, स्वागत करते हैं तो बड़ा, और हमको भी सब 2 किलोमीटर आगे चलने की शक्ति मिलती है। चलिए, तो ये देखा आपने कि किस तरीके से जो राम भक्त हैं आपको देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या पहुंचते हुए दिखाई देंगे और बिल्कुल शिकन नहीं है, और ये कह सकते हैं कि ये भक्ति और राम के प्रति ये समर्पण ही है कि पैदल सैकड़ों किलोमीटर का जो सफर है राम भक्त कर रहे हैं, और ये खुशी है। अपने सहयोगी शैलेंद्र के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, उत्तर प्रदेश। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर होंगे। इस दौरान वजीर दाखिला रायपुर में कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। दोपहर 2 बजे के करीब अमित शाह छत्तीसगढ़ में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के जायजा इजलास में शिरकत करेंगे और इसके बाद वो शाम तकरीबन 5 बजे असेंबली अहाते में छत्तीसगढ़ के 9 मुंतखब अराकीन असेंबली के प्रोग्राम से भी खिताब करेंगे।
बता दें आपको कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर होंगे और वजीर दाखिला आज रायपुर में कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात पर अगर नजर डालें तो रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खी इस तरह से है कि साल में दो बार होंगे सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहानात, नया जाब्ता इसी सेशन से तलबा के जहनी दबाव को कम करने के लिए किया गया है ये फैसला और तलबा के पास अच्छे नंबरात लाने के लिए दो बार होंगे मवाक़े। तो ये 2024-25 के लिए तलबा को साल में दो बार बोर्ड के इम्तिहानात में शिरकत करनी होगी और उनके जहनी दबाव को कम करने के लिए इस तरह का ये फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि कल अयोध्या में एक बड़ी तकरीब प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब होने जा रही है और इसी के पेश नज़र अयोध्या पूरी तरह से सील हो गई है और पास के बगैर दाखिला अब नहीं हो सकता है। आपने हमारी रिपोर्ट भी देखी कि किस तरह से वहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके खेल के सफ़े पे एक खबर शाया हुई है जो कल बहुत सुर्खियों में बनी रही कि पाकिस्तानी जो बॉलर हैं शुएब मलिक, उनकी पाकिस्तानी अदाकारा से शादी की खबर काफ़ी उस सुर्खियों में थी। और उधर एक और तस्वीर इसमें शाया हुई है जिसमें सानिया मिर्ज़ा के वालिद ने खुला की तस्दीक कर दी है। रोज़नामा इनकलाब से भी हमने यहाँ पर खबरें ली हैं और इसके बैनुल अक़वामी सफ़े पर गज़ा और इसराइल की जंग की खबर है जहां गज़ा में इसराइल की ताज़ा बमबारी हुई है और 146 फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं। आगे की सुर्खी भी देख लेते हैं, अमेरिका में शदीद बर्फबारी की खबर है और ज़बरदस्त बर्फबारी की वजह से यहां पर 45 अफराद जो है वो हलाक हो गए हैं। कई इलाकों में बर्फानी तूफान की वजह से सड़कों में आमदोरफ्त इंतहाई मुश्किल हो गई है और ख़तरनाक ये साबित हो रही है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां। और आगे बढ़ते हैं और बैनुल अक़वामी खबरों की बात करते हैं जहां गज़ा में हमास के ख़िलाफ़ जारी जंग के दरमियान हफ्ते के रोज़ एक बार फिर से वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरे जारी हैं। हज़ारों इसराइलियों ने तेल अवीव में जमा होकर वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर मुल्क की सलामती को ख़तरे में डालने का इल्ज़ाम लगाया और दोबारा इंतखाबात का मुतालबा किया। दरअसल इसराइली हुकूमत के खिलाफ काफ़ी अरसे से एहतजाज कर रहे हैं। और खेल की खबरों में सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने इंडिया ओपन टेनिस मुकाबले के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय स्टार जोड़ी ने टोक्यो ओलंपिक के कांसे का तमगा जीतने वाली मलेशियन जोड़ी को आखिरी चार में 18-21, 21-14 के फर्क से शिकस्त दी। और भारतीय टीम ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम का आगाज जीत के साथ किया है। भारत ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 84 रन से शिकस्त दी थी। मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 251 रन बनाए जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम सिर्फ 167 रन ही बना सकी और मैच हार गई। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।